नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देख लीजिए, नवरात्र से एक दिन पहले की क्लिप थी, ला नहीं पाई थी मैं वीडियो और घर की सफाई की वजह से, और पीछे से आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो देख लीजिए हमारे यहाँ का रोड किस तरीके से और क्या है। और यहाँ पहुँच गई हूँ मैं मार्केट में, और यहाँ मैं ले रही हूँ माता रानी जी के वस्त्र, क्योंकि मैं नवरात्रि में हर बार माता रानी को श्रृंगार चढ़ाती हूँ और एक वस्त्र चढ़ाती हूँ उनको। तो ये नवरात्रि से एक दिन पहले का क्लिप है और मैं किसी वजह से नहीं लेके आ पा रही हूँ। आप सभी लोग जान रहे हो घर में इतना काम इस टाइम हो रहा है, वही रंगाई पुताई वाला, तो सब इधर का उधर हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया था एक जोड़ी माता रानी का लहंगा और चुनरी, और यहाँ पर मैंने ले लिया था एक लाइटर। और मैं इस वीडियो की जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने ससुराल में हूँ। इस टाइम किसी काम से आई हुई थी, नवरात्र चल रहा है तो पूजा चढ़ानी होती है, तो वही मैं आई थी। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी, ये भूमि के लिए ले रही हूँ लहंगे के लिए लटकन, तो ये गोल्डन लटकन थी, ये इतनी खिल नहीं रही थी और पहली बार मुझे गोल्डन की ज़रूरत भी नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिया था। और मैंने यही सेम टू सेम यही डिज़ाइन ये मैंने ब्लू कलर की डार्क ब्लू में ली है। और लटकन यहाँ पर देखिए, मैं देख रही थी माता रानी जी का माला था और ये सब झुमके थे, मतलब तो इसमें से झुमका मैंने माता रानी के लिए नहीं, अपने लिए झुमका पसंद किया था। और भाई आप लोग भी एक एक झुमका ले लीजिए जिसको पसंद आ रहा है, नहीं तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना कि मेरे लिए कुछ नहीं लिया। जो आपका मन हो आप लोग खरीद सकते हो और पैसे तो मैं दे दूंगी, आप टेंशन मत करिएगा। और यहाँ पर भूमि भाभी खाने लगी थी चाट, क्योंकि ये नवरात्र से एक दिन पहले का क्लिप था, मैंने बोला खा लो, फिर उसके बाद तो लहसुन प्याज 9 दिन खाना नहीं है, तो ये बच्चे मेरे खा रहे थे, मैंने नहीं खाया था क्योंकि उस दिन शनिवार था, तो मैं शनिवार को नहीं खाती हूँ लहसुन प्याज। और यहाँ पर देखिए हम घर के लिए वापस आ गए हैं, और रास्ते में हमारा बी बाज़ार देख लीजिए, हमारे बिल्कुल घर के पास में है, मात्र 5-6 मिनट का रास्ता होगा। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने श्रृंगार की पूरी थाली तैयार कर दी है, मैं क्या क्या लेके आई थी, इसमें कान्हा जी का कपड़ा है, माता रानी का है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है, जितना सामान होता है उतना मैंने चढ़ा दिया है। और कैसा लगा है ये श्रृंगार का सामान, लहंगे का कलर कैसा है, और इस कलर का लहंगा मैंने अभी तक नहीं लिया था। और ये देख लीजिए माता रानी ने पहन लिया है लहंगा, और माता रानी कैसी लग रही हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए दर्शन भी कर लीजिए, ये दूसरे दिन का क्लिप है, मतलब नवरात्र वाले दिन का। यहाँ पर मैंने सुबह के टाइम, देखो मेरा बेटा भी तैयार है, एकदम सज धज के बैठा हुआ है। और देख लीजिए हमारा मंदिर आप लोगों को कैसा लग रहा है, मंदिर तो सभी का अच्छा लगता है, सॉरी इस बात के लिए। और ज़ोर से बोलो जय माता की और प्रेम से बोलो जय माता की। तो वीडियो हमारा कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे दिखा देती हूँ, थोड़ा सा धन्यवाद बोलने वाली आदत हो गई है ना मेरे, तो चलिए आगे भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ओ यहाँ पर ये क्या, ये तो अंग्रेजों के ज़माने का खजाना मिल गया मेरे हाथ, तो चलिए इस खजाने के अंदर क्या राजकाज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। भाई देखिए खजाने पे बुरी नीयत मत रखिएगा, क्योंकि ये खजाना ना बड़े सरकार का है, यानी कि ये जो बड़ी गुल्लक है भूमि की है और छोटी गुल्लक जो है वो छोटी सरकार की है। तो भाई खजाने के ऊपर आप लोग नियत मत रखिएगा, क्योंकि ये खजाना मेरे बच्चों का मेरे बच्चों का है, तो इस पर बुरी नियत नहीं। और देख लीजिए चारों तरफ पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसों की बारिश हो गई है। और जो भाभियाँ हैं यानी कि छुटकी रानी हैं, उनके गुल्लक से निकले हैं पूरे 2,200 रुपये, और तो वही हम लोग गिन रहे थे, और सिक्के सिक्के मैंने अलग कर दिए थे। और चलिए अब बड़ी वाली गुल्लक भी फोड़ के देख लेते हैं कि उसमें क्या निकला है। और बड़ी वाली गुल्लक फूट भी गई, मुझे पता भी नहीं चला फूट गई। और बड़ी वाली गुल्लक में से निकले थे 4,000 कुछ रुपए निकले थे, तो कुल मिला के 6,000 के आसपास से पहुंच गया है। तो इससे मैं लूंगी धनतेरस में कुछ सामान।